सो दिस इज़ द टाइम कि सानू इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए कि इस तो पहले ATO साढ़े अकाउंट्स चेक करे या कुछ करे। वी हैव टू लॉज ऑन टाइम। इट्स बेटर आई कैन से दैट कि 20-25 डेज के अंदर अपनी लॉजमेंट्स खत्म कर दो। तो प्लीज़ अपना एडवांस टैक्स ध्यान नाल भरो, उन्हें बिल्कुल जीरो भी ना करो और बिल्कुल घट भी ना पे करो, बट एट ए रीजनेबल रेट पे करो। ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन डिपार्टमेंट वालों समय समय दे विच तब्दीली की जाती है ताकि लोगों वालों टैक्स की चोरी को रोकया जा सके तो लोगों के जिहड़े टैक्स लॉजमेंट्स हैगियां वो टाइम सिर हो सकन। तो पिछले 2-3 दिनों के उन्होंने सबना लैटर भेजी है जिन्होंने हजे तक लॉज नहीं किए हुए अपन टैक्स रिटर्न इस साल दियाँ, तो वो कुछ इस तरह का लिखा है कि लोगों को परेशानी हो रही है, जिस बारे ज़्यादा जानकारी लिए असी अकाउंटेंट नूं ही पुछते हैं। तो साडे नाल अकाउंटेंट हैगे ने गुरवीन जी जो कि मेलबर्न दे वन ऑफ द बेस्ट, तो असीं उन्हां नूं पुछते हैं कि ये जिहड़ियां लैटर हैगियां ने इन्हां दा मतलब की हैगा जिहड़ियां कि लोकां नूं जा रहियां ने। सत श्री अकाल जी, मैं गुरवीन कौर, मैं तुहानूं अज एक लैटर के बारे में दस्सण आई हाँ। ATO अजकल 3-4 दिनों तो सारे नूं लैटर्स भेज रही है, उहदे विच लिखा है ऑडिट इफ़ यू डोंट लॉज दी टैक्स रिटर्न तो ऑडिट हो सकता है। अगर तुसीं अपनी GST लॉज नहीं करते हो तो ऑडिट हो सकता है। हुण किस चीज़ का ऑडिट होएगा, जब तुसीं लॉज नहीं करोगे तो ऑडिट किस चीज़ का होएगा? ऑडिट होएगा फिर वो तुहाडी बुक्स चेक करनगे, फिर वो लॉजमेंट करनगे। ATO पहले ATO लैटर भेजदा सी फाइनल वार्निंग कि तुहाडे कोल अज तो 15-20 दिन है अपनी टैक्स रिटर्न या GST लॉज करो, बट हुण ATO कहता है इफ़ यू डोंट लॉज इट इट मे रिजल्ट इन ऑडिट। मतलब कि अगर तुसी अपनी लॉजमेंट्स खुद नहीं करोगे तो असी थोड़ी बुक्स या बैंक अकाउंट्स तो बुककीपिंग करके असी लॉज करांगे। सो दिस इज़ द टाइम कि सानू इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए कि इस तो पहले ATO साढ़े अकाउंट्स चेक करे या कुछ करे। वी हैव टू लॉज ऑन टाइम। ए लॉजिक भी है अगर तुसी टाइम ना लॉज नहीं करोगे देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन। सो असी ATO नूं यह क्यों सोचण दा मौका दीए कि देयर इज समथिंग फिशी। अगर सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो सानू अपनी टैक्स रिटर्न्स और GST ऑन टाइम लॉज करनी चाहिए है। इट विल मेक अ गुड हिस्ट्री इन द टैक्स ऑफिस। तो ये बारे ATO ने कोई थानू डेट वगैरह मैंशन की है कि जिन्होंने इस डेट तक नहीं लॉन्च की तो उस तो बाद वाले ऑडिट कोई इदा का कोई डेट मैंशन है? डेट मैंशन वो 14 डेज हैगी है, लेकिन एट बेस्ट क्योंकि हॉलीडेज़ का टाइम है इस टाइम तो ATO GST वास्ते भी 2 महीने का टाइम देता है। तो इट्स बेटर आई कैन से दैट कि 20-25 डेज़ के अंदर अपनी लॉजमेंट्स खत्म कर दो। तो एक होर ये लैटर आई हुई है PYG के उत्ते, उहदे विच भी कुछ लोगों इशू हैगा भी, उहदे बारे थोड़ा जिहा तुसीं एक्सप्लेन करोगे कि ये की PYG का की है? हाँ जी, पहले मैं दसांगी PAYG की है एडवांस टैक्स पे एज यू गो, मतलब चलते चलते अपना टैक्स पे करो। टैक्स वाले जोड़े होंगे TFN वाले वो टैक्स तो पे कर देंगे है, और जोड़े कि सब कॉन्ट्रैक्टर होंगे उन्होंने एंड ऑफ द ईयर टैक्स पे करना पैंदा है। तो ATO उन्होंने एडवांस टैक्स लगाती है जो उन्होंने 4 क्वार्टर्स में पे करना पैंदा है। पहले बहुत सारे अपने भरा भैन उन्होंने जीरो कर देंगे सी एडवांस टैक्स में या घट कर देंगे सी। ATO ने अगर 5000 लगाया तो वो $200 क्वार्टरली पे करते सी। हुण ATO ने जुलाई टू सितंबर की बैस या जुलाई टू सितंबर का PAYG देखने के बाद लोगों को लैटर भेजा है कि आर यू श्योर कि तुसीं सही हैगे हो कि असी चेक करिए आके। उन्होंने लैटर में लिखा है कि अगर तुसीं सही हैगे हो डोंट डू एनीथिंग, अगर तुहानूं लगता है कि नहीं तुसीं एडवांस टैक्स जीरो किया या बहुत घट किया दैन यू हैव टू रिवाइज योर GST। सो दिस इज़ द टाइम कि ATO भी चाहती है कि उन्हों का पैसा आए कलैक्शन होए तो ही और इत्थे दे एटमोसफेयर या इन्वायरमेंट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो प्लीज़ अपना एडवांस टैक्स ध्यान नाल भरो, उन्होंने बिल्कुल जीरो भी ना करो और बिल्कुल घट भी ना पे करो, बट एट ए रीजनेबल रेट पर करो। उन्होंने जिस तरह तुसी क्या है कि उन्हों एट रीजनेबल रेट के उत्ते ये जिहड़ा ग्राफ है ये आप कोई सैट करता है कि जां उन्होंने अकाउंटेंट कोल ही जाना होगा ग्राफ सैट करने? देखो अकाउंटेंट कोल ते जाना ही चाहिए क्योंकि वी डोंट आई एम स्पैशलाइज इन अकाउंटिंग, तो मैं अकाउंटिंग हूँ मैं किसी होर भी स्पैशलाइज नहीं है तो मैं नहीं हैगी है ना। तो अगर तुसी एज एन इंडिविजुअल खुद करेगा उन्होंने की किया हूँ मैं जिवें दसे 10,000 है तुसी पिछली बार 2018 में 10,000 टैक्स पे किया तो ATO के हिसाब नाल 19 में तुसी 12,000 पे करोगे, बट क्लाइंट कहता नहीं मैं 1,200 पे कराँगा। सो इट्स ए ह्यूज डिफरेंस। सो यू हैव टू गो टू द अकाउंटेंट, द अकाउंटेंट एडवाइस करेगा कि तुहाडे वास्ते की सही है और की गलत है। नहीं कई बार इस तरह भी हो सकता है कि जो बंदे की पिछली जॉब सी पिछले साल वो इस साल जॉब चेंज होके हो सकता है कि वो सरकमस्टांसिस चेंज होए होन ते वो जिहड़ा हैगा वा उहदी इनकम कट हो गई होवे तो वो इस करके भी कह रहा होवे। खास करके मैं उहदी गल कर रहा भी जिहड़े खुद ही लॉज करते हैं तो उन किस तरह ATO नूं सर्टिफाई करवाएंगे कि? हाँ हाँ जी हूँ यही है ना हूँ इस लैटर से जोड़ा मैं तुम्हें दसिया से लिखा है कि आर यू श्योर दैट यू हैव लॉज इट करैक्टली तो अगर तुम करैक्टली लॉज किया दैन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अगर उन्होंने आंसर पता है येस आई नो कि मेरी जॉब स्ट्रक्चर चेंज होया पहले मैं एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर काम करता सी नाउ आई कन्वर्टेड इनटू टैक्स फाइल नंबर वो उन्होंने भरना ही नहीं है क्योंकि टैक्स फाइल नंबर ऑलरेडी टैक्स कट रहा है। उस केस में आंसर अगर पता है यू कैन गो एंड अगर एटीओ कॉल करेगा दैन यू हैव एन आंसर कि हाँ मैं यह किया। हुण जो सब कॉन्ट्रैक्टर ही सब कॉन्ट्रैक्टर है मतलब 18 भी सब कॉन्ट्रैक्टर से 19 भी सब कॉन्ट्रैक्टर है वो आंसर नहीं है तो वो अकाउंटेंट नाल एडवाइस कर सकता है कि माई इनकम हैड गॉन मतलब मेरी इनकम डाउन हो गई है खर्चे वध गए है तो इस करके मैं अपना PAYG कट पे कर रहा हूँ। कुल मिला के तुहाड़ियां गल्लां तो यही लगता है कि जिहड़े बंदे इंटेंशनली घट पे करते हैं जान के भी असीं एंड ते पे कर देंगे बहुत सारे आम इदां ही मिल जाते हैं तो वो चीज़ा हुण नहीं चल सकती। सानूं केयरफुली प्लान करके चलना पेगा कि सो दैट वी कांट कि असी ATO के ऑडिट्स में ना आ जाइए सो सानूं केयरफुली इहनूं प्लान करना पेगा एंड वी कांट डू दैट प्लानिंग हर स्पैशलाइज्ड होंदा उस प्लान वास्ते। ये जी आस्ट्रेलियन टैक्सेशन डिपार्टमेंट वालों जड़ियाँ दो लैटर अजकल सारियां जा रही हैं ये उदी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे सानू गुरवीन जी जिड़ी कि मैं समझदा कि सारियां लई साडे बहुत फायदेमंद हैगी है तो सानू टैक्स रिटर्न भी जिहड़ा कि उन्होंने ATO ने टाइम दिता होया उहदे अंदर ही लॉन्च करनी चाहिए तो दूसरे नंबर पर जिहड़ा PAYG वाला हैगा वो तुसीं अपने अकाउंटेंट नाल डिस्कस करके जां जिद्दां भी आप करदे जे जिद्दां तुहानूं ठीक लग रहा है मगर सानू कुछ ना कुछ जरूर पे करना होया आपां उहनूं जीरो नहीं कर सकते। इस दे नाल ही मैं हरमीत बमरा सांझा TV मेलबर्न।